वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है, हर ब्रेक के बाद नाक के कमरों में बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जनाब, आज की हमारी जो अगले मेहमान हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, अब हम बहुत ज़्यादा जतन करते हैं अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए। फेशियल कराएंगे, ट्रीटमेंट्स कराएंगे, कुछ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मैं रोज़ सुबह आके आपको एक लंबी चौड़ी रिसर्च बता देती हूँ, स्किन फ्रेश रखनी है, ये खाएँ वो पिए, मतलब ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हमारी स्किन के साथ बहुत हमें नुकसान भी होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जो ऑर्गेनिक तरीके हैं वो बहुत सारे हैं और अब बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है, लोग इसको इनकरेज भी करते हैं ऑर्गेनिक तरीकों को। किस तरह से आज हम बात करने वाले हैं उसके लिए हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो मेहमान है हमें ज्वाइन कर चुकी है, डॉक्टर मासूमा ज़ाहरा हैं हमारे साथ, जो कि आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी हैं, और उनको हम वेलकम करेंगे और हम उनसे पहले इसके हवाले से जानेंगे। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर मासूमा। लवली। अच्छा डॉक्टर मासूमा, मैं आयुर्वेदिक की टर्म इसको हम चाहेंगे पहले हम डिफाइन कर लें, जो देखने वाले हैं उनको आइडिया हो जाए, उसके बाद फिर फर्दर हम आपसे। जी, ये आप बेसिकली लाइफस्टाइल को हम कहते हैं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है कि आपकी नेचर के करीब जितना भी आप रह सको उसको फॉलो कर सको। हमारी इस रीजन में सब कॉन्टिनेंट में आयुर्वेदा पे या टिप पे बहुत काम हुआ है। सो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को हम प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऐसा स्पा, जैसे क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी स्किन है तो एक इनिशिएटिव हमने लिया कि आयुर्वेदिक का पहला स्पा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में, ऐसा स्पा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के अंडर है। सो हम आयुर्वेदा को वही कि देसी चीजों की तरफ जाना, देसी चीजों की तरफ, ऑर्गेनिक स्टफ की तरफ लोगों को लेके जाना, ऑर्गेनिक स्टफ की तरफ लेके जाना। अच्छा, क्योंकि हमें नॉर्मली ये तो पता होता है कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ड्राई है, ऑयली स्किन है, किस तरह की स्किन है, आयुर्वेदिक में किस तरह की स्किन टाइप्स डिफाइन की जाती है? ओके, आयुर्वेदा के जिस तरह हम देखते हैं कि हम जो खाते हैं वही हम हैं। बिल्कुल। अब आयुर्वेदा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखी जाती है कि आपकी बॉडी टाइप या बॉडी दोषा। अच्छा, बॉडी दोषा जो है यानी बॉडी टेम्परमेंट क्या है। अच्छा। हम मिट्टी के बने हैं, हमारे अंदर मिट्टी के हर सीजन है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से वाता पिता एंड काफा, ये तीन पिता एंड काफा ये थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज है। ठीक हो गया। अब इसी तरह वाता यानी गैसेस और ड्राइनेस, तो ड्राई स्किन वालों को हम कहेंगे वाता पर्सन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब जिनकी स्किन ड्राई है वो आपको पता ही होता है कि ड्राइनेस ऑफ स्किन क्या है, ये प्रॉन टू रिंकल्स होते हैं, उनको रिंकल्स जल्दी पड़ेंगे। ऐसे लोग जो खुश्की के साथ हैं, टीन एज में तो कुछ नहीं होगा, शायद अर्ली ट्वेंटीज में भी कुछ ना हो, लेकिन नियर टू 30 और आफ्टर 30 जो है ना रिंकल्स एकदम आने लग जाते हैं। तो दोज आर द वाता पर्सन। ठीक। फिर है पिता पर्सन। वाता पर्सन के एक और, क्योंकि जब स्किन को हाथ लगाएंगे तो खुश्क और ठंडी होगी। ठीक हो गया। पिता पर्सन यानी गर्म स्किन के लोग। ओके। ऐसे लोग जिनकी स्किन गर्म हो, अब हम पिता के साथ फौरन कहते हैं बहुत सारे एक्नी, एक्नी में आ जाते हैं, जहाँ गर्मी दाने, गर्मी के एलिमेंट है, तो वहाँ अब दानों के अंदर जिस तरह बार बार मैं बताऊंगी ताकि एक्सप्लेन कर सकें, ताकि हमारे व्यूवर्स ये करें कि वो मेरी बातें सुन के अपनी स्किन टाइप के बारे में सोच सकें। सो अगर आपकी स्किन पे दाने हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि हम पिता वाता नहीं है, क्योंकि वाता में दाने नहीं होते। वो दाने जिनके अंदर पास नहीं है वो वाता पर्सन के भी हो सकते हैं। सो ड्राई दाने जिनको ड्राई के अंदर उभरी हुई है स्किन के ऊपर से पूरी तरह से उतरनी, हम कहेंगे वो वाता पर्सन है। पिता पर्सन के जो एक्नी होगी वो येलोइश होगी, उसमें पीपदार बड़े बड़े गढ़नुमा दाने निकलेंगे। और फिर है काफा पर्सन। काफा पर्सन है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किन डिजीजेस जहां आ जाती हैं, जिसमें सोराइसिस है, ब्लैक हेड्स का बहुत ज्यादा बनना है, ये वो काफा पर्सन है जो कि ठंडक लिए हुए हैं। अब यहाँ हम कहते हैं लोग ठंडक, दाने और ठंडक कैसा है ना कॉम्बिनेशन में समझ आता है। तो इसी के लिए हम लोग एज स्पा में जब हम आपको आपके फेशियल्स रिकमेंड करते हैं तो आपकी बॉडी टाइप के साथ करते हैं कि दाने तो हैं लेकिन अब आपने गर्म चीजें खानी है, दाने तो हैं अब आपने ठंडी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो ठंडक है तो आपको उसको, बिल्कुल। तो अब हम तीन टाइप की स्किन बोल दी, वाता पिता एंड काफा, ड्राई कोल्ड खुश्क स्किन, फिर पिता गर्म हाथ लगाने से पीपदार दानों वाली स्किन, और मोटी चमड़ी वाली स्किन जिसको कहते हैं मोटी खुरदरी होगी बट मोटी होगी, हाथ लगाने से वो कितनी सॉफ्ट लुक नहीं, हार्श लुक देगी, तो वो काफा पर्सन की स्किन होगी। ठीक हो गया, ये स्किन टाइप, ये स्किन टाइप। अच्छा, ट्रीटमेंट बेसिकली डॉक्टर मासूमा किस तरह के फेशियल्स होते हैं,
क्या इनमें चीजें इस्तेमाल होती हैं. डेफिनेटली लोगों को क्यूरियोसिटी तो होती है कि ये इतना डिफरेंट फेशियल टाइप है तो इसमें ऐसी क्या चीज है, ऑर्गेनिक किस तरह की चीजें हैं. बिल्कुल ऐसे जिस तरह बताया कि हम प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, आपकी बॉडी टाइप आपकी पता चल जाएगी. इस व्यूवर्स को एक आसान काम बताऊं, ऐसे बहुत से व्यूवर्स हैं जो शायद हम तक ना पहुंच सके. बिल्कुल. वो आप अपने नेट हर किसी के पास है आजकल तो आपकी टिप पे सब कुछ है. आप अपनी स्किन टाइप का क्विज ले लो. आयुर्वेदिक क्विज मिलते हैं जो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल. अच्छा आयुर्वेदिक क्विज. आयुर्वेदिक क्विज देखो, आप अपनी टाइप को खुद ही उसके अंदर से वो आपसे क्विज क्वेश्चंस होंगे आपका निकल आएगा. फिर उसके मुताबिक आप स्किन के ऊपर पढ़ना शुरू करो. ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ऐसा है जो आप घर बैठे अपना सकते हो. और हमारे आपको सिर्फ अपने बॉडी टेम्परमेंट्स को ढूंढना है और कुछ नहीं. हम लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है ना अपने हवाले से, हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते. हमें जो कोई कह देता है आप अपने मुंह पे ये लगा ले, मुझे ये स्किन को सूट किया तुमने कर लेना भी कर ले. मैं ये लेट सपोज छोटी सी बात है, एप्पल साइडर विनेगर सबके लिए नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो हर किसी को नहीं दे सकते. वाता पर्सन खाएगा तो वो एसिडिक और ज्यादा हो जाएगा, उसकी और ज्यादा ड्राइनेस बढ़ेगी. लेकिन काफा पर्सन लेगा तो वो बेहतर होगा क्योंकि वो वाटर रिटेंशन वाला बंदा है. उसको ड्राइनेस हमें देनी है ताकि वो पतला हो जाए, उसकी स्किन थोड़ी थिन हो. वो जो हार्शनेस और हैवी और मोटी और ऑयली स्किन है वो बेहतर होगी तो वो एप्पल साइडर विनेगर से होगी. सो हम जैसे आयुर्वेदिक क्विज का मैंने बोला अपना क्विज लें. अब ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन भी आती है ना, वाता एंड पिता हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, जिसको हम टी जोन पे हम ऑयली टी जोन के साथ ये वाला ऑयली और बाकी स्किन आपकी जो है वो. तो आपको अपने सीजन के मुताबिक सीजन के साथ साथ की चीजें खानी है. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपनी बॉडी का सीजन रोकना है ना तो मतलब आपने अपनी एजिंग रोकनी है. ठीक है, एक कॉलर ले लेते हैं. डॉक्टर मासूमा, आयशा है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, मैं आयशा डिफेंस से बात कर रही हूँ. और मेरा ये सवाल है कि जो ब्लैक हेड्स हैं उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है फेशियल के जरिए, और दूसरा जो पोर्स होते हैं उनको आप किस तरह बंद करोगे, मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच कॉलिंग आयशा, बहुत शुक्रिया आपका. जनाब आयशा के सवाल का जवाब भी लेंगे, उससे पहले हमारे पास सिंगर ज्वाइन कर चुके हैं अमीन राजा, उनको वेलकम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सर सबसे पहले तो अपने बताएं थोड़ा बैकग्राउंड, कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए. ठीक है, 10 साल से कर रहा हूँ और किए जा रहा हूँ, किए जा रहे हैं. तो आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? आज सबसे पहले कल अभी माशाल्लाह कायद दिन हमारा गुजरा है और बड़ी पेट्रियोटिक सी तबीयत हुई है सुबह से. सही सही. तो सबसे पहले मैं आपको एक नेशनल सॉन्ग सुनाऊंगा. जरूर जरूर जरूर. जबरदस्त. ठीक हो गया, बहुत जबरदस्त. अच्छा जनाब डॉक्टर मासूमा, अभी हमारे पास एक कॉलर आई थी और वो कहती हैं कि उनको ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स, उनको किस तरह से कम किया जाए. अब ये देखें जिस तरह ये बता रही हैं तो ये काफा पेशेंट हुए, काफा यानी बिल्कुल हमने वो पहले ये वाटर रिटेंशन इनकी बॉडी में ज्यादा होगी. काफा पेशेंट्स को हमेशा, ये काफा दोषा के जितने भी लोग हैं उनको एक्सफोलिएटर बहुत यूज करना चाहिए. सुबह शाम अपनी स्किन को एक दफा स्क्रब करना चाहिए, खास तौर पे मुल्तानी मिट्टी के साथ. तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल अगर वो नेचुरल है बिल्कुल ठीक है, उसको एज एन एक्सफोलिएटर अगर आप यूज करना है तो मुल्तानी मिट्टी में पिसी हुई चीनी थोड़ी सी मिक्स कर ताकि वो स्क्रब से ताकि वो स्क्रबी हो जाए. अगर वो चीनी से होता है कि नहीं चिपचिपा लग रहा है तो गुलाब का अर्क, गुलाब के अर्क के साथ थोड़ा सा संदल पाउडर वो मिक्स कर दे तो वो एक अच्छा सा स्क्रब दे देगा. आजकल कीनू का मौसम है
जितने भी फल हैं प्लीज उनको एज एन एक्सफोलिएटर भी यूज करें. हम कहते हैं कि विच इज ऑन योर लिप्स दैट शुड बी ऑन योर स्किन. ठीक है, ऐसे ही है ना. तो आप जो खा रहे हो जो बच गया उसको स्किन पे लगा लो. तो एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है. एक तो क्योंकि ब्लैक हेड्स होंगे व्हाइट हेड्स होंगे वो तब होंगे जब आप रोज डेली उसको क्लींज नहीं कर रहे हो. अच्छी क्लींजिंग उसकी जरूरी है. प्लस उसके साथ खाने पीने का क्या एहतियात करें. काफा पेशेंट को हमेशा अपनी कुकिंग फैक्टर के अंदर गरम मसाला जात का इस्तेमाल करना चाहिए. अब हम ये सोचते हैं स्किन के ऊपर तो ब्लैक हेड्स आ गए हैं, स्किन के ऊपर तो ऑलरेडी निकल रही है चीजें, और फिर हम गरम अशिया मतलब गरम और खुश चीजें जैसे लौंग का इस्तेमाल, दार चीनी का इस्तेमाल, लेकिन मैं दूध ये नहीं कि बस अब फिर लौंग और दार चीनी खा रहे, मतलब एक दाल के साथ रहे. जिस तरह साग है आजकल गरम, ऐसा गरम तबीयत का लेके है तो उसका इस्तेमाल करें, उसको लगाएं भी उसको खाएं भी. अच्छा जमीरिया देखिए जो हम अभी खाने की बात कर रहे थे वो डॉक्टर मसूम सारा कह रही है बिल्कुल ऐसे ही. आप ये देखिए कि हमारा किचन जो है वो पूरे इट्स लाइक अ हर्बल थिंग बिल्कुल मेडिकेशन भी और साथ मेडिकेशन के लिए. और आपको पता है आपका बेस्ट स्टीरॉयडल इफेक्ट्स जो है सबसे बेस्ट इफेक्ट और आप देखिए लॉन्ग में देर पा भी रहते हैं मतलब उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है. ऑर्गेनिक चीजों के बारे में डॉक्टर मसूम ने कहा जाता है बड़े स्लो काम करती हैं लेकिन जब उनके रिजल्ट्स होते हैं तो वो बड़े मिरेकुलस होते हैं. पॉइंट इज कि आपको उसके ऊपर अपने स्किन को जब भी देना है ना तो हर दफा हर चीज में चाहे वो आप ऑर्गेनिक कर रहे हो चाहे आपको टाइम देना हम कहते हैं एक दफा बस कोई मैजिक हो जाए नहीं प्रॉब्लम ये होता है ना पूरे साल में एक बार सैलून जाके फेशियल करा लेते हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्किन ऐसी बड़ी महंगी क्रीम्स ले लेंगे कर लेंगे लेकिन हमें ये नहीं पता डॉक्टर साहब हमारे से ज्यादा नहीं आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा बता रही हैं. टोटली एग्रीड ये है कि जितना आप केमिकल फेस पे अपनी स्किन पे लगाते उतनी ही बच्चियां इनफर्टिलिटी की तरफ जाती हैं बिल्कुल उतने ही आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं. इस फील को या इस चीज को प्रमोट करने का मकसद भी है कि हम सिर्फ चिकन के बारे में ना कहें कि चिकन ने हार्मोन्स खराब कर दिए. जो ब्लीच आप लगा रहे हो जो आप क्रीम डेली डे एंड नाइट क्रीम लगा रहे हो इवन के स्किन कैंसर होने की वजह बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रॉपर डाइट भी और साथ में जो एप्लीकेशन जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो सो बेस्ट एप्लीकेशन है कि आप घर पे करो. और फिर इन्हीं के लिए एक है कि रात को अगर ये इनसे रिलेटेड क्या कोई भी ये किसी भी स्किन टाइप के लिए हो सकता है आधा कप गर्म दूध उसके अंदर एक पूरा लीमू स्क्वीज करके मिट्टी के बर्तन में रख के रख दें. सुबह तक वो क्या थोड़ी देर में फट जाएगा बिल्कुल बिल्कुल. बट सुबह उठ के जो पानी होगा वो बेस्ट विटामिन सी सीरम है बिल्कुल जी. और वो जो क्लींजर भी बहुत अच्छा है वो मेकअप रिमूवर बनाए उसको वो डे का सारा दिन का मेकअप रिमूवर बनाए. और वो जो बलाई और दही टाइप चीज होगी वो बेस्ट मॉइस्चराइजर है तो वाता पर्सन के लिए तो वो बहुत ही अच्छा है. क्लींजर जो है वो जो सीरम है वो आपके पिता. अच्छा डॉक्टर मासूम हमारे आगे बहुत सारी चीजें भी जाम में पड़ी मैं जानना चाहूंगी क्या है और किस पर्पज के लिए. ये तीन तरह के एक्सफोलिएटर्स मैंने रखे हुए ठीक है. इसमें जिस तरह पहला एक्सफोलिएटर अगर आप दे दें ऑन बिल्कुल शुरू में राइट पर है जी राइट साइड ब्लैक लेफ्ट में जो ब्लैक वाले में ये है गुलाब चीनी और संदल का मिक्सचर ठीक है. गुलाब चीनी और संदल का और साथ में आमंड ऑयल आलमंड ऑयल तो ये है काफा पेशेंट्स के लिए जिनकी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हैं जिनको एक्सफोलिएशन की ज्यादा जरूरत है जिनके ब्लैक हेड्स हैं. पिंपल्स की बात नहीं कर रही मैं वैसे रफ स्किन जो है ये उसके लिए. फिर बीच में आ गया बीच में जो है ये मुल्तानी मिट्टी के साथ पिता पर्सन के लिए. पिता पर्सन वो कि जिनको पीपदार दाने गर्नुमा दाने मोटे 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 दाने मुंह के ऊपर निकल रहे हैं ये उनके लिए है. इनके इसके अंदर भी हर चीज के अंदर थोड़ा सा इसमें रोज वाटर का इम्प्लीमेंट है क्योंकि हमें नरिश नहीं करना ज्यादा ऑलरेडी ऑयल बहुत है तो यहाँ पे हम रोज वाटर मुल्तानी मिट्टी और संदल उसको डालेंगे. और फिर जब हम वाता पर्सन के लिए आ जाएंगे तो वो फिर जौ का आटा है जो नरिश करता है क्योंकि ग्रेन्स जितने भी हैं वो खाएं भी. वाता पर्सन कौन होंगे जिनकी खुश्की होगी जिनको फाइबर की जरूरत बहुत होगी फाइबर खाएं भी फाइबर लगाएं भी ठीक हो गया जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मासूमा बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका और हमारे देखने वालों का. सिंगर मौजूद है डेफिनेटली हम उनसे उन पे सॉन्ग भी सुनेंगे लेकिन आ चुके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के हवाले से हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की. कॉमन नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे वो डाइट है चाहे आपके चेहरे है. ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स इतने जबरदस्त हैं. डॉक्टर मासूमा का आपको स्पा भी यहाँ पर अवेलेबल है लाहौर के अंदर तो लाहौरी तो इस बारे में बहुत खुशकिस्मत कहा जा सकता है. अच्छा जनाब हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी आपसे रोज मुलाकात हुआ करेगी. हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से और
अगर आपने शो मिस किया है तो हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव है, यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल होगा, आपको 2-3 घंटे में हमारा शो मिल जाया करेगा। तो आपसे कल तक के लिए हम इजाजत लेते हैं और अपने सिंगर से फरमाइश करते हैं कि वो हमें कुछ सुनाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह उस तरह की सॉन्ग है मेरा अभी जो ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ।